Hello everyone. So welcome to the channel Access for Success where quality matters. So अगर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इसके पहले हमने स्टेटमेंट एंड एजमशन के क्वेश्चन किए हैं तो पहले दो क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर चुके हैं अगर उसको वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा तो आज का ये सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज भी हम उतने ही अच्छे क्वेश्चन ले आए हैं आपके लिए डिस्कस करने के लिए तो हमारा स्टेटमेंट क्या है देखिए प्लीज ड्रॉप दिस लेटर इन द लेटर बॉक्स एन ऑफिसर टेल हिज असिस्टेंट तो एक ऑफिसर ने अपने असिस्टेंट को बोला कि ये जो लेटर लेटर है उसको आप लेटर बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा ठीक है ये स्टेटमेंट मोल बोला गया है अब एजम्पन क्या स्टेटमेंट एजम्पन जैसे हम स्लॉक्स में करते हैं जो भी स्टेटमेंट दिया रहता है उसको एज इट इज हम मान करके एजम्पन उसके कंक्लूजन को हमको फाइन करना पड़ता है तो स्टेटमेंट में यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट में वाक्य दिया है उसको क्या ये एजम्पन जस्टिफाई करता है बस यही हमको यहाँ पर चेक करना है तो एजम्पन में बोला गया हमको द असिस्टेंट वुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ठीक है स्टेटमेंट में बोला है कि ऑफिसर ने अपने असिस्टेंट को वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया ठीक है ऑर्डर दिया कि ये जो लेटर है आप उसको लेटर बॉक्स में डाल के आइएगा तो ये हम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट इसका पॉजिटिव साइड हम ये ले सकते हैं बोल सकते हैं कि वो जो असिस्टेंट है वो अपने ऑफिसर का कहना मानेगा जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको जितना बोला गया है जितना खाने के लिए दिया है उतना ही खाना है जितना बोला गया है उतना ही सोचना है ज़्यादा अपना वहाँ पर दिमाग नहीं चलाना है ठीक है तो असिस्टेंट तो ये एक पॉजिटिव साइड हम ले सकते हैं और यहाँ पर स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना पॉजिटिव सोच सकते सकते हो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव साइड साइड ऑफ द एनी स्टेटमेंट तो यहां पर हम ये ले सकते हैं कि वो जो असिस्टेंट है वो लॉयल है अपने ऑफिसर का कहना मानेगा ये हम एक पॉजिटिव लेकर के इस बात को तो हम ऐसा बोल सकते हैं ठीक है तो ये जो है हमारा इम्प्लिसिट हो जाएगा अब इम्प्लीसिट क्या होता है कि वो उस चीज़ को फॉलो करता है उसको इम्प्लीसिट बोला जाता है इसमें ऑप्शंस में कैसे मिलेंगे आपको आइदर फर्स्ट एंड सेकेंड इम्प्लीसिड Only first is implicit, only second is implicit, neither first nor second implicit, इस type का question अ फिर both implicit ऐसे बोला जाएगा, implicit यानी कि follow करना, ऐसे आप समझ सकते हो ठीक है अब न, इसलिए ये जो पहला है वो इम्प्लीसिट हो चुका अब सेकंड क्या है द असिस्टेंट नो द एड्रेस वेर आर द लेटर टू बी सेंट ठीक है अब सेकंड स्टेटमेंट हमारा आजमशम्स ये बोला जा रहा है कि असिस्टेंट को पता है उसका एड्रेस पता है कि वो एड्रेस मतलब लेटर कहाँ पे जाने वाला है ठीक है तो ये तो गलत बात है यहाँ पे क्या आपको स्टेटमेंट के स्टेटमेंट में कहीं पर एड्रेस का जिक्र किया है क्या नहीं किया है तो इसको हम रॉन्ग बोलेंगे यहाँ पे कहीं पर भी एड्रेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो आप से कैसे बोल सकते हो कि ये जो असिस्टेंट का जो एड्रेस है एड्रेस जो है वो असिस्टेंट को पता है ठीक है हम ये नहीं बोल सकते हैं वो अगर लॉयल है लॉयल हो या ना हो देखो गलत साइड तो हम हमको बोलना नहीं है और सबसे पहली बात स्टेटमेंट में एड्रेस के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया है तो अपने आप आप एड्रेस को अज्यूम नहीं कर सकते ठीक है तो इस हिसाब से जो हमारा ये वाला सेकेंड वाला एजम्शन है ये भी हमारा यहाँ पर इम्प्लीसिड हो जाएगा तो हमारा ये वाला जो इम्प्लीसिट नहीं होगा यानी कि ये फॉलो हमारा करने वाला नहीं है क्योंकि ये पूरा तरीके से गलत है कि उसको वो एड्रेस पता है तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी के साथ में पहला जो वीडियो है किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी एक बार देख लीजिएगा तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में वो है फोर्थ वाला क्वेश्चन तो अब देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि बाय प्योर एंड नेचुरल मिल्क ऑफ कंपनी जेड एंड एडवर्टाइजमेंट इन ए न्यूज़पेपर ठीक है तो किसी न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर दिया गया है कि आपको प्योर एंड नेचुरल मिल्क अगर खरीदना है तो कंपनी जेड से आप ख़रीद सकते हैं तो ठीक है ये एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर में ओके ठीक है अब प्योर बोला गया है यानी कि उसका अपोजिट आप, आप इम्प्योर ले सकते हैं जो कि मिलावटी होता है ठीक है और नेचुरल यानी कि जो नेचर से बनाई चीज़ें हैं नेचुरल चीज़ें हैं अपने आप मतलब उसको इंसान के द्वारा नहीं तैयार ते, किया जाता है ठीक है उसको नेचुरल चीज़ें बोलती बोला जाता है ओके तो आप उसका अपोजिट अज्यूम कर सकते हैं अगर, अगर अजम्शंस में सॉरी स्टेटमेंट में अगर पॉजिटिव दिया है तो उसका अजम्पन्स में अगर निगेटिव बोला जाता है या नहीं दिया जाता है तो आप एक निगेटिव साइड उसका बोल सकते हैं कि प्योर है तो अजमशस में आप ये बोल सकते हैं कि प्योर नहीं है ठीक है नेचुरल मिल्क है तो अजमशस में आप बोल सकते हैं नेचुरल मिल्क नहीं है या फिर वो आर्टिफिशियल है ठीक है यानी कि जो भी उसका अपोजिट वर्ड अगर दिया रहेगा तो आप उसको देख सकते हैं थोड़ा बहुत ठीक है तो अब हमारा जम्शन क्या है आर्टिफिशियल मिल्क कैन बी प्रपेयर देखिए यहाँ पर फर्स्ट में दिया है कि आर्टिफिशियल मिल्क कैन बी प्रपेयर यानी कि जो मान आर्टिफिशियल यानी कि जो मानव ने बनाई है मानव निर्मित दूध तैयार किया जाता है ठीक है यानी कि मानव द्वारा बनाया जाता है तो ठीक है देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्योर एंड नेचुरल बोला है इसका मतलब वहाँ पर आर्टिफिशियल चीज़ें होती होंगी प्योर चीज़ें के बारे में बताया है इसके मतलब वहाँ पर इमप्योर चीज़ें होती होंगी ना इसीलिए तो वो प्योर के बारे में बात कर रहे हैं जब दो चीज़ें होती हैं तभी तो एक के बारे में बात करें हम तो वहाँ पे आर्टिफिशियल या फिर जो आ, मिलावट वगैरह मिलावटी जो दूध तैयार किया जाते हैं वैसा होता है इसीलिए तो वो नेचुरल और प्योर के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि पहला वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है जो है वो इम्प्लीसिट है यहाँ पे यानी कि वो फॉलो करता है जब नेचुरल चीज़ों के बारे में नेचुरल मिल्क के बारे में बात की है में में इसका सॉरी स्टेटमेंट इसका मतलब कि वो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं इसीलिए उन्होंने नेचुरल का वहाँ पे स्पेसिफाई किया है उसका जिक्र किया है वहाँ पे तो हम आर्टिफिशियल मिल्क वहाँ पे बनाया जाता है ये हम अज्यूम कर सकते हैं ये हम ये हम सोच सकते हैं कि वहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं इसीलिए वहाँ पे नेचुरल मिल्क का जिक्र किया है ठीक है तो इस हिसाब से ये हमारे इम्प्लीसिड है दूसरा क्या है पीपल डू नॉट माइंड पेइंग मोर फॉर प्योर एंड नेचुरल मिल्क ठीक है अब देखो इसके बारे में बोला है कि पीपल लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए उनको मतलब कोई आपत्ति नहीं है अगर चीज़ें प्योर हो या नेचुरल हो यानी कि नेचुरल दूध यानी कि प्योर और अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए लोगों अगर ज़्यादा पैसा देना भी पड़े तो वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं लेकिन क्या स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट में कहीं आपको बोला गया है कि पैसों के बारे में कहीं जिक्र किया है कि कम है ज़्यादा है ज़्यादा भरना ज़्यादा पे, पे करना है कुछ नहीं बोला है जब स्टेटमेंट में पैसों के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आप अजेंशन में पैसों के बारे में क्यों उसका जिक्र कर रहे हैं इसका मतलब कि ये हमारा फॉलो नहीं करने वाला है जब स्टेटमेंट में जितना बोला गया है उतना ही आपको सुनना है तो ये बहुत ही ईजी होते करने के लिए लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हो तो इट्स वेरी ईजी टू स्कोर हाई मार्क्स इन मेन एग्ज़ाम जहाँ पर जीरो पॉइंट फाइव से या जीरो पॉइंट टू ऐसे भी लोगों के पेपर रह जाते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में टाटा बाय बाय टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन वीडियो